आज गवर्नर साहब के एडवाइज़र बीबी व्यास से उधमपुर का एक डेलीगेशन मिला। ये उधमपुर के लगभग 40 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है, गोल्डी बरमीन। वहाँ के कुछ लोग हैं जो एक अपना डेलीगेशन लेके आए थे और यहाँ पर आके उन्होंने जो है गवर्नर साहब के एडवाइज़र बीबी व्यास से मुलाकात की है और अपनी जो मुश्किलात उधमपुर के गोल्डी बरमीन इलाके के लोगों को आ रही है उसके बारे में साझा किया है। हालाँकि वैसे दिक्कत क्यों आती है ये आज तक मैं समझ नहीं पाया कि लोगों को दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए, जबकि इलाके के MLAs जबकि ऐसी बातें करते हैं कि सब तरह के काम वो लोग जो हैं अपने इलाके में करवाते हैं, लेकिन फिर भी एडवाइज़र साहब को मिलना और अपनी जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग उनके बारे में बताना, उसके बारे में मेन आज ये लोग मिले हैं। और ये पूरा जो डेलीगेशन मिलने के बाद अभी हमारे साथ बातचीत करेगा कि आखिरकार उधमपुर के लोग गोल्डी बरमीन के क्या क्या उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। आपका नाम क्या है? देखिए मेरा नाम विश्वदेव सिंह है। विश्वदेव जी, गोल्डी बरमीन से हैं आप, क्या क्या मेन आप प्रॉब्लम्स लेके आज एडवाइज़र साहब से मिले? देखिए सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो रोड की है। आप देखोगे अगर 3 महीने समर रहेगा लगातार, तो 3 महीने समर रहेगा तो 5 महीने गोल्डी का रोड बंद रहेगा। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले जब से रोड बनी है तब से चल रहा है, इसका कोई सलूशन नहीं निकाला जा रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम वोट नहीं करते हैं, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? नंबर एक। नंबर दो, जो तहसील जहाँ पे नायब तहसीलदार गोडी के साथ बैठे थे वो सारी तहसील को अपग्रेड किया गया है, वो तहसील बन गई है, वहाँ पे तहसीलदार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बैठता है, लेकिन हमारी गोडी में आज भी नायब बैठती है। तो उसकी वजह से हमें इतनी परेशानियाँ आती हैं कि हमें घर से 50 किलोमीटर उठ के रामनगर में जाना पड़ता है। छोटा सा काम होगा चलो रामनगर में, तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर गोडी में तहसील का दर्जा दे दिया जाए तो हमें काफ़ी सहूलतें मिल जाएंगी गांव के लोगों को। आप पिछले साल की बात है, आप हमारे गोडी में एक PHC है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं है। पिछले साल की बात है, वहाँ पे एक जो लेडीज़ थी वो प्रेग्नेंट थी, उसकी भी डेथ हो गई और जो बच्चा था पेट में उसकी भी डेथ हो गई। तो पिछले साल हमें 2 कैजुअल्टी हुई इस रोड की वजह से और इस साल हमें 1 कैजुअल्टी हुई। तो हम आपके माध्यम से और आज हम गवर्नर जी के एडवाइज़र से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ये आपकी डिमांडें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। हम आपके माध्यम से जितने भी पॉलिटिशियन हैं हम सबको बताना चाहते हैं कि आप इन हम लोगों की मजबूरियां आज तक क्यों नहीं समझे, सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट बैंक समझा है हमारी गोडी को, 90,000 पॉपुलेशन होगी जहाँ से हम आए हैं, तकरीबन 90,000। सेंसिस जो 2011 थी उसके अकॉर्डिंग 56,000 कुछ थी, तो आज 7 साल के बाद तकरीबन 90,000 हो गई होगी। तो कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई नहीं आता है। जब रोड खुल गई तो सभी आ गए, जब तक रोड बंद थी मेन प्रॉब्लम जो है वो रोड की है। और एक हमारा उधर हाई स्कूल है जिसका नाम है लाड, उसको आज तक अपग्रेडेशन नहीं किया है, पिछले 45 साल से वो स्कूल चल रहा है, तो वही 3-4 कमरों में चल रहा है, ना तो उसकी कोई नई बिल्डिंग देते हैं ना कुछ करते हैं ना स्टाफ है। तो हम आपके माध्यम से ये बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी गोडी की तरफ भी कोई देखे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। अजय जी, और क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं आपके इलाके में होनी चाहिए? जैसे सर आजकल नामा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनके लिए आज एडवाइज़र साहब के आगे हमारा एक डिमांड रखी कि एक हमें रजनीश शहीद रजनीश स्टेडियम का नाम है तो उनको स्टेडियम बनाने की वो फायर रखी उनके आगे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जे जल्दी से जल्दी आपका काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो आपने एक और डिमांड रखी है जो शहीद रजनीश जी के नाम पे एक स्टेडियम बनाने, कितनी ज़रूरत है आज युवाओं को, क्योंकि आज युवा जो है नशे की साइड जा रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि आपके इलाके के लोग जो है स्टेडियम में खेलेंगे अपना भविष्य बनाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे इलाके में इस टाइम जो नशा है वो 90% जो युवा हैं वो नशे की तरफ चले गए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो जो हमारे उधर से अमर शहीद हुए हैं रजनीश जी, एक तो उनकी याद सदियों तक चलती रहेगी कि जहाँ से भी कोई था जो देश के लिए शहीद हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, हम जैसे युवाओं को जो आगे युवाओं की पीढ़ी आ रही है उनको एक जब उनका ध्यान जो है कन्वर्ट हो जाएगा खेल की तरफ तो ऑटोमेटिकली नशे की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ के स्टेडियम बने, खेल की सुविधा बने। अब हमारे गाँव के लोगों को खेल के लिए सिर्फ क्या है, या तो वो पहलवानी करेंगे या फिर वो कबड्डी खेलेंगे, बस दो ही खेल है। तो हम चाहते हैं कि स्टेडियम बने, कम से कम हमारे गांव के बच्चे भी क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, खो खो खेलें, या हॉकी खेलें, या बैडमिंटन खेलें, कोई भी खेलें,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर सुविधा होगी तो वो खेलेंगे, जब उनके पास फ्री टाइम होगा तो वो खेलेंगे, अगर खेलने के लिए जगह नहीं होगी तो वो नशे की तरफ जाएंगे। तो हम इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पे एक तो उनकी याद में एक स्टेडियम बन जाएगा और बरसों तक चलेगा कि जहाँ से कोई शहीद हुआ था और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, वो नशे की तरफ कम जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गोल्डी बरमीन ये जो इलाका है उधमपुर का, जो कि उधमपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ से ये सब लोग आए हैं जिन्होंने आज एक डेलीगेशन के रूप में जो है गवर्नर साहब के एडवाइज़र बीबी व्यास जी से मिले और उनसे अपनी जो कोर समस्याएं हैं वो उनके साथ डिस्कस की, जो इन्होंने हमारे साथ भी साझा की। अब आशा है कि जल्द ही इन इलाकों के अगर एमएलए भी सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाए और गवर्नर साहब तक तो इन्होंने अपना मेमोरेंडम दे ही दिया है। फिलहाल जम्मू के आसपास के जितने भी इलाके हैं, अगर उन लोगों को भी कोई समस्या है वो हम लोगों से आके मिल सकते हैं, जैसे कि उधमपुर से ये गोल्डी बरमीन इलाके से आए हैं और जितने भी लोग गोल्डी बरमीन इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं उधमपुर इलाके से, वो लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोत्रा के साथ जेके मीडिया के लिए।